my channel Desi Travel Girl. Hope you all are doing completely fine. And today I am in Dominasula, which is approx 80 kilometers from Bangalore. So we'll see how the things are done here with me. वाइन टूर के लिए सो हाफ एन आवर में स्टार्ट होगा तो देखते हैं कैसा रहता है. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. Turning off the Bangalore-Mysore Highway, a scenic drive down a 4 km stretch of winding countryside road takes you to this beautiful place called Sula Vineyard. यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे से सेटअप करके रखा है. यहाँ आप आके अच्छे अच्छे पिक्चर्स क्लिक करा सकते हो और अपनी मेमोरी के लिए उसे रख सकते हो. हमारे टूर गाइड ने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया हमें एक्सप्लेन करना. सो आगे देखते हैं क्या क्या बताते हैं. हमारी आज की एक्टिविटी स्टार्ट होती है. इसका कॉस्ट 500 ईच होगा. इसके अंदर वो हमको वाइन यार्ड दिखाएंगे. वाइन कैसे प्रोसेस होता है, उसको कहाँ स्टोर किया जाता है, फर्मेंटेशन कैसे होती है, ये सारी चीज़ें बताएंगे. और एट द एंड वाइन कैसे टेस्ट की जाती है, डिफरेंट टाइप की वाइन टेस्टिंग भी कराएंगे. ये प्लेस को 2010 में इस्टेब्लिश किया गया था. उसके बाद 2018 में इसे सुला वाइनयार्ड ने खरीद लिया था और उसके बाद से इसका नाम है डोमिनसुला. का एक स्पेशल कॉज है जिसमें कि पर बॉटल में ये कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं टाइगर कंजर्वेशन के लिए. सो यहाँ पे ग्रेप्स का प्लांटेशन हो रहा है. हर तरफ ग्रेप्स लगे हुए हैं और नेट्स भी लगे हुए हैं. और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पाम ट्री का भी प्लांटेशन है. पाम ट्री को एज अ इंडिकेटर ये यूज़ करते हैं. सो अगर कोई भी वेदर चेंजेस या कोई भी डिफ़िकल्टी वेदर में दिखे तो वो पाम ट्री पहले इंडिकेट कर देता है. इसका ब्रांड नेम है काडू. सो आप इसके हर बॉटल में टाइगर का सिंबल देखोगे.
Now the wine tasting session has started. You can taste 4 different kinds of wine and also learn the steps how to taste the wine. You can swirl, sip and sniff. The vineyard also has a great restaurant where the menu is created to match the Sula wines with great Italian flavors in it. Everything here is digital. You can just scan and get the menu. एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो, सो ट्राई करो, हाफ डे एक्टिविटी है, आराम से आके एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, फिर इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट्स आप लोगों के लिए लाते रहूँ।